हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसने लगभग 6 बार तो बोनस दिया है, मल्टीपल टाइम्स हर साल अच्छे अच्छे डिविडेंड्स देता है, एज वेल एज बहुत अच्छी बैलेंस शीट भी कह सकते हैं उसकी, और 2 बार वो स्प्लिट भी हुआ है। तो ऐसे ही शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, ओके, उसके रिजल्ट से बातें करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छा टाइम आ गया उस शेयर को खरीदने का, क्योंकि अभी तक वो काफ़ी ऊपरी सतह पर मिल रहा था और अभी लगभग काफ़ी गिर चुका है। तो इट इज़ द टाइम टू एकोमोडेट दैट पर्टिकुलर शेयर। तो आइए उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँ। तो आइए पहले एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, पिछले 3 महीने से वो शेयर लगातार गिरता आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब टाइम आ गया है वो शेयर खरीदने का। ओके, और अगर हम उसका मल्टीपल, अगर उसका वो देखेंगे हम इस रिटर्न का ये पैटर्न, तो आप देखिए 6 मंथ में 18, ईयर टू डेट 12% का, 1 साल में 4%, 2 ईयर्स में 22। ओके, अगर ये गिरावट नहीं होती तो यहाँ पर आपको ये चेंजेस होते हुए नज़र आते, बट काफ़ी टाइम से गिर रहा है ये शेयर। तो 4 ईयर्स में 105, 5 साल में 106 और 10 ईयर्स में लगभग 1500% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। ओके, 1500% का रिटर्न यहाँ पर दे चुका है यहाँ पर आपको 10 साल में। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए कि मैक्सिमम कितना रिटर्न दिया है, तो मैक्सिमम की बात बताना चाहता हूँ, लगभग लगभग 5500% के रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, और काफ़ी बेहतरीन रेपुटेड कंपनी है। तो आइए उससे रिलेटेड और भी बातें कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.58 है, थोड़ी सी स्लाइटली कम करी है 0.03% की। फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर जम के खरीदारी करने शुरू कर दिया है, तो 1.37% की हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई है, तो लगभग 16.04% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है 0.41% से, तो लगभग 6.48% की हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी कम करी है 1.51% की, 4.62 है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात की जाए तो 0.36% की हिस्सेदारी है, और नॉन इंस्टीट्यूशन की 21.92% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पर अगर देख लेते हैं मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, तो प्रमोटर्स के पास है। प्लेजिंग, कोई भी शेयर उनका कर्ज में नहीं है, कोई भी उन्होंने डेट में नहीं रख रखा, प्लेज नहीं कर रखा। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी लगभग हेल्ड इन 36, ओके, 6.48% की, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर 16.04% की हिस्सेदारी है। और प्रमोटर्स विद हाईएस्ट होल्डिंग एसोसिएट बिस्किट इंटरनेशनल लिमिटेड, इससे ही आपको समझ में आ गया होगा किस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। ओके, और हाईएस्ट पब्लिक इन शेयर होल्डर्स की बात करें तो एलआईसी ने लगभग 4.592% की हिस्सेदारी इसमें खरीद रखी है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दे रखा है। आइए एक बार बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो रिजर्व्स की बात कर लेते हैं पहले। तो रिजर्व्स देखिए कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से बढ़ते आ रहे हैं, 1676 करोड़, फिर 2557 करोड़, फिर 32 और 40, और अभी लगभग 4250.60 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रिजर्व्स आपको दिए गए। एज वेल एज बोरिंग की बात की जाए तो देखिए, बोरिंग होना, कोई डेट फ्री होती है कंपनी तो अच्छी बात है, और अगर बोरिंग अगर कुछ कंपनी में होता है, ओके, तो किसी ना किसी पर्पज़ से ही वो लिया होता है, तो उसे हम देखते हैं। तो लॉन्ग यहाँ बोरिंग देखिए पिछले 5-4 साल से कम ही, लगभग ना के बराबर ही था बोरिंग, बट इस बार लगभग कंपनी ने 722.13 करोड़ रुपए की बोरिंग ले ली है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चला है, तो शायद बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ही उनकी बोरिंग होगी। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो पिछले साल तक कोई भी बोरिंग नहीं थी, ओके, जीरो डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं पिछले साल, बट इस बार कंपनी ने बोरिंग ली है, शॉर्ट टर्म कर्ज लिया है, तो लगभग कितना 479.99, लगभग 480 करोड़ रुपए का यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कंपनी के पास है। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो देखिए कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हर साल अपने लगभग 594 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर था, जो कि बढ़ के लगभग 882.06 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 40 करोड़, 39.16 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, ओके, तो इस पे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बोरिंग देख के कि घबरा जाना कि बोरिंग है, तो इसे नहीं देखना चाहिए। हर एक कंपनी में, अच्छी अच्छी कंपनीज पे करोड़ों रुपए का बोरिंग होता है, बट अच्छे रिटर्न वो आपको फाइनली देती है। और यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था डिविडेंड की, तो देखिए हमेशा ही अच्छा अच्छा डिविडेंड आपको 8300%, 35%, दो दो बार, तीन तीन बार आपको आपको डिविडेंड, इस बार तो 2 बार आपको डिविडेंड दिया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है।
एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ बोनस की, तो 1:1, 1:1, 1:2, 1:2, तो लगभग 6 बार यहाँ पर कंपनी ने बोनस आपको 1983 से 2020 तक आपको यहाँ पर बोनस दिया है। तो जो 2001 की बात कर रहा हूँ कि जो कि कंपनी ने यहाँ पर दिया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। तो शेयर का जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, और वो उसका नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्री आपको पता ही होगा, आप सुबह उठते होंगे या शाम को चाय लेते होंगे या सुबह चाय लेते होंगे, ओके, तो आप बिस्किट जरूर खाते होंगे। और बिस्किट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो ही ब्रांड है, या तो छोटे की बात की जाए तो पार्ले जी या फिर ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और मल्टीपल वैरायटी ऑफ बिस्किट्स, ओके, बिस्किट एज वेल एज कुकीज़ आपको ब्रिटानिया की मिल जाएगी। देखिए पिछले 1 महीने से, ओके, और एक क्या 3 महीने से, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि कंपनी गिरती जा रही है, उसके शेयर्स गिरते जा रहे हैं, ओके, बट ये गिरावट आपको खरीदने का मौका दे रहा है, क्योंकि ये वो अच्छे शेयर्स हैं। इनके रिजल्ट आज जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में 1.18% की बढ़त थी Q1 में, ओके, इस बार लगभग सिमिलर ही था, थोड़ा सी गिरावट थी, और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था, उसका पूरा हमने जब परसों इसके रिजल्ट आए थे तो इसके रिजल्ट को हमने पूरा एग्जामिन किया था और आपको वीडियो में बताया था, जो कि ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो आप ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए परसों से रिजल्ट आया है, तो परसों से आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 3800 पे चल रही थी जो, और जो अभी लगभग 3400 पे मिल रही है। तो दिस इज़ द टाइम, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अब ये टाइम है कंपनी में एंट्री लेने का। तो आप धीरे धीरे एक एक दो दो शेयर जितना भी आपकी कैपेबिलिटी हो तो आप खरीदेंगे, ओके, और जितना ये गिरता है, ओके, आप एक 200 या 400 की गिरावट में एक एक रेशो बना के उसे एकोमोडेट कर सकते हैं, ताकि आपका एवरेज हो जाए। और ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, पहले तो 58 रुपीज़ का शेयर आपको 3500 में, और लगभग 4000 तक चला गया था। तो आप देखिए यहाँ पर सीधे किस तरीके से टॉप बॉटम टू टॉप किस तरीके से यहाँ पर लाइन बन रही है, और केवल इंक्रीमेंट ही इंक्रीमेंट, केवल जंप ही जंप आपको यहाँ शेयर्स में दिखाई दे रही है। और गिरावट तो देखिए गिरावट हर बार हुई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से शेयर यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ से शेयर फिर यहाँ पर गिरा, फिर बट गिरने के बाद उठता भी है और उठने के बाद सीधे भागता भी है। यहाँ पर भी देखिए अच्छी अच्छी गिरावट हुई है, अगर आपको बता दूँ कितनी परसेंट की, तो यहाँ पर भी देखिए 15% की गिरावट। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम शेयर को बेच देंगे, ओके, इसका मतलब है कि आप खरीदिए। और मैक्सिमम की बात की जाए, अगर मैक्सिमम की बात कर लूँ, ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर से देखते हैं, लगभग 6500% के रिटर्न इस कंपनी ने आज तक दिए है, और 6 बार बोनस दिया है वो अलग। तो अगर मल्टीपल देखेंगे तो करोड़पति इस कंपनी ने बना दिया है। तो इसलिए कह रहा हूँ दिस इज़ द राइट टाइम, ओके, जितना ये गिर रहा है ये शेयर, इसे एकोमुलेट करिए, ओके, अच्छा खासा 400 पॉइंट्स गिर चुका है, 11% ये गिर चुका है, ओके, और थोड़ा बहुत और गिरता है तो गिरने पर लेते रहिए। बट अभी तो मैं एक दो महीने की बात या एक दो दिन की बात नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप चार्ट पैटर्न भी देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर जा रहा है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको डेफिनेटली डेफिनेटली अगर 5 से 10 साल आप इसे रख लेते हैं, 15 20 साल, बल्कि आप बेचेंगे भी नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर ये दो दो 3 साल 4 साल में अच्छा रिटर्न भागता गया, तो आप इसे बेचना भी नहीं चाहेंगे। और ये वो शेयर है जो जो नेस्ले को भी पीछे छोड़ सकता है, ओके, आने वाले टाइम में ये जो नेस्ले 16,000 पे चल रहा है, ये भी शेयर 16,000 तक ईजिली पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पे भरोसा करके आप इस शेयर को एक्युमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे छोटा छोटा। और हम देखे पेंडामिक में लगभग ये 3200 पे ये शेयर चलता था, ओके, पेंडामिक के बाद देखिए यहाँ पर लगभग 2100 रुपये पे शेयर आपको मिल रहा था, और फिर अभी देखिए 2100 से क्या इसने जंप लगाई है, ओके, और अभी तक लगभग 76-78% के रिटर्न आपको कमा के दिए। तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं शेयर की तरफ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 साल की, ओके, तो आपको बताना चाहता हूँ 2018 में लगभग 3300 रुपये का 3400 रुपये का शेयर होता था। तो आपको 2018 के भाव पे, ओके, 2018 की जो रेट चल रहा था उस पे अब ये शेयर लगभग आपको मिल रहा है, तो 2 साल पीछे का ये शेयर आपको मिल रहा है, तो आप इसे एक्युमुलेट कर सकते हो। गिरावट तो आएगी ही, बट लॉन्ग टर्म जैसे भागा है ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न्स आपको कमा के देगी कंपनी। तो
जाइए इसे ऐसे आप अपनी वॉच लिस्ट उस पर ऐड कर सकते हैं, और आज का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। ऑलरेडी 2100 रुपये का 23 मार्च को, 40,000 रुपये का ये शेयर 21 जुलाई को पहुंच गया था, और लगभग 36% की यहाँ पर डिलीवरीज आज की डेट में उठाई गई है, क्योंकि शेयर काफ़ी गिर चुका है इसलिए लोग उठा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेके 83 रुपीज़, 35 रुपीज़ ये शेयर में यहाँ पर आपको दिया गया है, और स्कीम ऑफ अरेंज बोनस 1 डिबेंचर फॉर 1 इक्विटी। ओके, तो देखिए 2019 में यहाँ पर आपको एक बोनस भी यहाँ पर कंपनी ने दिया, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा शेयर है, आप इसे पे बिलीव कर सकते हो और एवरी डिप पे खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।